समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए बुधवार को कहा कि भाजपा धोखेबाज पार्टी है और देश में जाति धर्म की खाई पैदा कर रही है। अखिलेश में एटा में गठबंधन प्रत्याशी देवेंद्र सिंह यादव के समर्थन में एक चुनावी सभा में कहा कि भाजपा देश में नफरत फैला रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले अब जनता को ज्यादा धोखा नहीं दे सकते। भाजपा का घोषणा पत्र धोखे वाला है। यह 2014 के बाद इलेक्शन में जनता देख चुकी है, क्योंकि वादा करने के बाद वो बोलते हैं ये तो जुमला था, ना तो लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए, ना ही काला धन वापस आया, ना पाकिस्तान का सर झुका, ना गंगा सफाई हुई, ना गौ हत्या रुकी, बीफ एक्सपोर्ट तेजी से चल रहा है, डॉलर का रेट घटा नहीं, देश में आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं, विदेशों के काला धन वापस नहीं आया, नोटबंदी जैसे करके और जीएसटी जैसे काम करके देश की हालत को पतला कर दिया है, एजुकेशन का नाम नहीं है, बहुजन समाज के लोगों की शिक्षा तक छीन ली है 13-point रोस्टर लगाकर। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले अब जनता को ज्यादा धोखा नहीं दे सकते, भाजपा का घोषणा पत्र धोखे वाला है। घोषणा पत्र में अखिलेश ने कहा कि सपा बसपा रालोद के गठबंधन से भाजपा घबराई हुई है। उन्होंने भाजपा को 2014 के लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र का उल्लेख करते हुए कहा था कि उसमें वादा किया गया चप्पल पहनकर सड़क पर घूमने वाला गरीब भी हवाई जहाज में बैठ पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। जो चप्पल पहनता था उनके चप्पलें तक छीन ली हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने। यह था अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।